हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एक और मल्टी स्टारर विशेषांक विध्वंस। जब जाग उठेगी सदियों से सोई दो अनजान शक्तियां और दांव पर लगी होगी पृथ्वी के रक्षकों की जाने, तो फिर कौन बचाएगा होने से धरती का विध्वंस। मैं बचाऊंगा इन महानायकों की जाने। अगर इनकी जाने लेकर ही तू विजयी हो सकता है तो सगम ऐसा कभी नहीं होने देगा। तू एक बार अधम को छल छल से हरा चुका है सदम, पर इस बार इनको मैं इनके ही दुश्मनों से मरवाऊंगा। तू मुझे रोक सकता है पर उनको नहीं। असम के हजारों वर्ग मील क्षेत्र में फैले हुए घने जंगल, जहां पर इंसान तो क्या सूर्य की किरण तक अंदर घुसने को तरस जाती है। पत्तों की यह हरी चादर अपने नीचे अनगिनत रहस्यों और अचरजों को छिपाए हुए है, और इन्हीं अचरजों में से एक है कोबी, भेड़ियों का मालिक। अरे नास पीटो। शराबी, अरे नास पीटे शराबी, तू मर क्यों नहीं जाता? ये कौन मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कर रहा है? अगर मरूंगा तो तुझे मार कर मरूंगा। ये तो एक औरत को मार रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं जानवरों को पीटता हूं। शायद ये मेरी नकल उतार रहा है, अभी मजा चखाता हूँ। छोड़ मेरे बाल वरना मुंह नोच लूंगी। छोड़ इसको और मुझसे बात कर। मेरी नकल उतार रहा था ना, मुझे जानबूझकर चढ़ाने के लिए जगाया था ना। नहीं को मालिक को भी, मुझे अगर ये बात पता होती कि आप यहाँ पर सो रहे हैं तो इसको कहीं और ले जाकर पीटता। आई, छोड़ मेरे पति को जानवर, अगर इसको दोबारा मारो तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे अभी यही तुझे पीट रहा था और तू इसका पक्ष लेकर मुझसे लड़ रही है। तेरी तो नादान है कोबी जी, समझ जाएगी, मैं समझा दूंगा। हम चलते हैं। अरे ये मेरा पति है, मुझे झांपड़ मारे, घूंसा मारे या जान से मार डाले, ये कोबी कौन होता है मियाँ बीबी के बीच में बोलने वाला? अच्छा, तू यहाँ से चली चली जा, मैं आता हूँ। यार एक बात तो बता, तू इसको पीट क्यों रहा था? ये अपने मायके वाले कबीले चली गई थी कोबी जी। कहती थी कि मैं शराब ज्यादा पीता हूँ, पर पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको जबरदस्ती अपने घर ले जा रहा था। बात तो तेरी सही है, जेन मेरी बीवी है पर वो मेरे साथ नहीं रहती, तो उसको पीट पीट कर ले आओ। ए, जेन को पीटने की बात की तो तुझे वैसे ही पीटूंगा जैसे तू अपनी बीवी को पीट रहा था। कोई और तरीका बता जेन को यहाँ लाने का। औरतें ताकतवर को पसंद करती हैं जो उनकी रक्षा कर सके। तुम अपने आप को भेड़िया से ज्यादा ताकतवर साबित कर दो, फिर वो भेड़िया को छोड़कर तुम्हारे पीछे चली आएगी। सच, एकदम सच। अरे खुश कर दिया रे तूने कोबी को, देख मेरी दुम अपने आप हिलने लगी है। जा, बख्श दी मैंने तेरी जान, पर भेड़िया की जान मैं नहीं बख्शूंगा। जेन पर अपनी ताकत का सिक्का जमा कर ही रहूंगा। जेन रहेगी तो बस कोबी के साथ, मियाँ बीबी साथ साथ। जा बेटा, अभी भेड़िया से पिटेगा तो तेरा दिमाग अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। बेचारा को भी एक शराबी जंगली की बातों को सच मानकर पहुंच गया था जेन को अपनी ताकत दिखाने। जेन, गोभी, ये तुम क्या कर रहे हो? गैंडों के साथ जगलिंग क्यों कर रहे हो? तुमको अपनी ताकत दिखा रहा हूं, मैं भेड़िया से ज्यादा ताकतवर हूं, इसलिए तुम मेरे साथ चल कर रहो। तभी एक गैंडा बिदक गया और कोबी को घायल करने के साथ साथ जेन की तरफ लपक पड़ा। कोबी के पास जैन तक पहुंच पाने का वक्त नहीं था, लेकिन जैन की किस्मत में मौत अभी नहीं लिखी थी। हट दूर जैन से और तू भी भाग जाए यहाँ से कोबी, पर जाने से पहले एक बात सुन ले, आइंदा अगर तूने जैन को ऐसे खतरनाक खेल दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश की तो तेरा भी इस गैंडे जैसा ही हाल करूंगा। जैन को तो तूने बहका रखा है भेड़िया, और अब गैंडे को घूंसे से बेहोश करने का जो काम मैं करने वाला था वह तूने करके मेरे काम में टांग अड़ा दी है। अब जो घूंसा मैं गैंडे को मारने वाला था वह अब तू खाएगा। रुको, तुम दोनों फिर से लड़ पड़े? आज फैसला हो ही जाने दो जैन, तुमको भी पता चल जाएगा कि ज्यादा ताकतवर कौन है, फिर तुम उसी के साथ यानी मेरे साथ रहना। कोबी और भेड़िया का युद्ध हमेशा की तरह घमासान हो रहा था, और हमेशा की तरह भेड़िया कोबी पर भारी पड़ रहा था। पहले अपने पशुओं जैसी प्रवृत्ति छोड़ कोबी, फिर इंसानों को साथ रखने की सोचना। कोबी तो है ही पशु, भेड़ियों का मालिक, फिर मैं अपनी प्रवृत्ति भला कैसे छोड़ सकता हूँ? चल, तुझे फाड़ने के बाद ये प्रवृत्ति छोड़ दूंगा। मंजूर है तो बोल। मंजूर है, बस तू मुझको फाड़ कर दिखा। आई, अपने नाखून में भला क्यों
अपने नाखून में भला क्यों गंदे करूं भेड़ियों। कोबी की पुकार पर भेड़ियों की फौज दौड़ती चली आई। उफ, कोबी इस बार सचमुच पागल हो गया है, मुझ पर भेड़िए छोड़ रहा है। ये तो सचमुच मुझको फाड़ डालेंगे। इतने सारे भेड़ियों से मैं एक साथ नहीं लड़ सकता। फिलहाल लड़ाई से अच्छा बचाव है। फिलहाल तो ये पेड़ मेरी जान बचा सकता है। इस पर मैं तो चढ़ सकता हूँ, लेकिन भेड़िया फौज नहीं चढ़ सकती। हा। तुझे भागता हुआ देखकर मजा तो आ रहा है, लेकिन मेरे भेड़िए भूखे रह जाएंगे। तुझे इनके सामने परोसना तो पड़ेगा ही। उतर नीचे उतर, वरना इतने ऊपर से नीचे गिरकर तू वैसे ही चूर चूर हो जाएगा। मेरे भेड़िया तेरी हड्डी कैसे चबाएंगे। कोबी की शक्तिशाली बाजुओं ने उस मोटे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और भेड़िया को मजबूरन नीचे उतरना ही पड़ा। अब तो भागना ही पड़ेगा। पीछा करो और फाड़ डालो इसको। छोड़ना मत इसको कमीनो, वरना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी और मौत की इस दौड़ में किसी का भी ध्यान उस गड्ढे की तरफ नहीं गया था जो उस विशाल पेड़ के जड़ समेत उखड़ने से बन गया था। 6-7 फीट गहरे गड्ढे के तल में पत्थरों द्वारा बनी एक निर्माण साफ नजर आ रहा था। अब पेड़ के बाद पत्थरों के हिलने की बारी थी, क्योंकि वह घड़ी किसी के आजाद होने की घड़ी थी। आह, न जाने कितने युगों तक कैद रहा हूं मैं। धोखे से छल से कैद किया गया था मुझे, लेकिन अब मैं समय नहीं गंवाऊंगा। उसको दूसरा मौका नहीं दूंगा जिसने मुझको कैद किया था। उसको अधम के स्वतंत्र होने की सूचना मिलने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। कहाँ है तू सदम, कहाँ है? अधम के स्वतंत्र होने का आभास पहले ही वहां से 1000 किलोमीटर दूर महानगर में जा पहुंचा था। ओह, इतनी सर्दियां, इतनी सदियों बाद आखिर वह समय आ ही गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। इतने समय तक वह मानवों के बीच में भेष बदल बदल कर सिर्फ इसलिए रहता रहा क्योंकि मुझे अधम की जमीन में दबने का सही स्थान नहीं पता था, वरना मैं उसको बहुत पहले समाप्त कर देता। खैर, तब नहीं तो अब सही। ऐसे हट जा भाई, ब्रेक फेल हो गए हैं अपन की गाड़ी के। ओह, इतने युगों के बाद अधम का आभास मिलने से मैं असावधान हो गया था। अब भी अगर मैं अपने आप को छुपाने की कोशिश की, अब भी अगर मैंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की तो ये वृद्ध मारी जाएगी। इसको बचाने का एक ही रास्ता है कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करूं। ओह माय गॉड, अमेजिंग, कि ये आदमी तो उड़ रहा है। आप यहां से लिफ्ट द्वारा नीचे चली जाइएगा माँ जी, मुझे सदियों पुराना हिसाब चुकता करने के लिए तुरंत जाना होगा। हैं, तू मुझे सड़क पार करा रहा था या दुनिया पार करा रहा है? असम के जंगलों में सदम आ रहा है। इस बार न जाने वो कौन सी चाल चलेगा, मुझे उसको वहीं पर रोकना होगा। धौंकनी, हा, तू मेरे बुलाने पर आने में पल भर की भी देरी नहीं करता। धौंकनी, जा खत्म कर दे सदम को और अंत कर दे हमारे युगों पुराने युद्ध का। जा, तब तक मैं इन दोनों दिग्गजों का युद्ध देखता हूं जिसके कारण मैं आजाद हो पाया हूं महानगर में। अब मुझे इस रूप की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए ताकि सदम मुझे देख भी सके और पहचान भी सके। लेकिन इससे पहले कि सदम महानगर की सीमा पार कर पाता, तू कहीं नहीं जाएगा सदम। तेरी समाधि इसी स्थान, इसी युग और इसी काल में बनेगी, और अभी बनेगी। धौकनी, मुझे तेरे आने की कतई उम्मीद नहीं थी, पर तेरे यहाँ पर आने से ये पक्का जरूर हो गया है कि अधम सचमुच जाग उठा है। असम के जंगलों में एक दूसरा खूनी युद्ध चल रहा था। उफ, अब कैसे पीछा छड़ाऊं इन शैतानों से। अब तो इनके और मेरे बीच का फासला भी कम होता जा रहा है। ये खाई, लेकिन ये तो बहुत चौड़ी है, इसको तो कूद कर पार किया ही नहीं जा सकता। नहीं, मुझे ये खाई पार करनी होगी, करनी ही होगी। अपनी दौड़ने की गति को और तेज करना होगा, और तेज और तेज और तेज। हवा में लहरा गया भेड़िया का शरीर और उसके पीछे पीछे भेड़िया की फौज भी खाई के ऊपर तैर गई। भेड़िया के हाथ तो खाई के दूसरे किनारे पर जम गए, लेकिन भेड़िए इतने खुशकिस्मत नहीं थे। गहरी खाई में भेड़ियों के शरीर गिरते चले गए। मेरे भेड़िए, मेरे सेवक, तेरी वजह से मरे हैं मेरे भेड़िए। तुझे अब मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तू दुश्मन है मेरा, तूने जैन को मुझसे दूर कर दिया, फूजो को मुझसे छीन लिया, जंगल के जानवर तक मेरे खिलाफ कर दिए तूने, और अब तू मेरे भेड़ियों को मारकर मेरी शक्ति को खत्म करना चाहता है। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। भेड़िया देव, मदद! पहले गदा कोबी के हाथ में चमकी और फिर भेड़िया की आंखों के आगे तारे चमक उठे। ले,
मैं तेरे हाथों से पहले गधा पहले भी गिरवा चुका हूं कोबी, और आज भी गिरवा दूंगा। पहले तू मेरा मर्म स्थलों पर प्रहार करके मेरी भुजाओं को बेजान कर देता था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैंने बालों से अपने मर्म स्थलों को ढक लिया है, अब तेरा प्रहार मेरे नसों को दबा नहीं पाएगा, लेकिन मैं तुझे जमीन में दबा कर ही जाऊंगा। आह, इसमें इतनी अकल कहाँ से आ गई? अब कैसे बचाऊं अपनी जान? वाह, शैतानी शक्ति के आगे अच्छी शक्तियां टिक नहीं पा रही हैं। देखता हूं कि क्या अंजाम होता है इस युद्ध का। महानगर में हो रहे युद्ध का अंजाम भी जल्दी ही सामने आ जाने वाला था। आह, इतने युगों तक निष्क्रिय रहने के कारण मैं अपनी शक्तियों को ठीक तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी धौंकनी जैसी मामूली प्राणी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। सदम की शक्ति किरणें हवा में मौजूद अणुओं में इलेक्ट्रॉनों को घटाने और बढ़ाने लगी, और सुरक्षित वायु एक-एक घात तक उठी। आह, तूने वायु की संरचना को बदलकर उसको विस्फोटक बना दिया है। अब तेरे चीथड़ उड़ जाएंगे धौंकनी, और तेरे मालिक को यह संदेश मिल जाएगा कि सदम अभी भी उतना ही शक्तिशाली है जितना वो युगों पहले। आह, ये क्या? मेरे गले की मश्क हवा का बवंडर पैदा करके तेरे विस्फोटकों को तेरे ही तरफ ढकेल रही है। इसने मुझे घायल कर दिया है। इससे इतनी चालाकी की उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। आह, धमाके ने मेरे शरीर को सुलगा दिया है, लेकिन मैं अभी हवा को पानी बनाकर इस आग को बुझा दूंगा। नहीं, नहीं होगा ऐसा। तू शायद धौंकनी की असली शक्ति को भूल गया है। धौंकनी जब चलती है तो आग को भी इतना गर्म कर देती कि वह लोहे तक को पिघला दे। फिर तेरे युगों पुराने शरीर की क्या बिसात है। आह, मेरी ही आग मेरा काल बनती जा रही है। ये जलन, ये पीड़ा, मैं वायु को जल में बदलने वाला मंत्र तक नहीं सोच पा रहा हूं। तुझे मारना इतना आसान होगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सदम, यहां पर कोई नहीं मरेगा। ये क्या? किसी प्रकार की मंद विषैली वायु से सदम के शरीर पर जबरन आवरण चढ़ा लिया, और उसका संपर्क वायुमंडल से कट गया है। बिना वायु की अग्नि जल नहीं सकती। किसने छोड़ी है विषैली फुंकार? मैंने, यानी नागराज ने। नागराज, नाम ही काफी है तेरा काम बताने के लिए। तेरे अंदर नाग शक्तियां होनी चाहिए। पर ये तो बता कि तू मेरे ही हाथों क्यों मरना चाहता है? तुझ जैसी हसरत रखने वाले हजारों खलनायक हैं, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक महानगर पर कोई आफत नहीं आ सकती। आह, मुझको अपनी शक्तियां संभालने में समय लगेगा। तब तक तुमको धौंकनी से स्वयं ही निपटना होगा। इससे निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। बस अगर ये उड़ ना रहा होता तो मुझे इससे निपटने में आसानी हो जाती। इस समस्या का हल तो मैं कर देता हूँ। मैं तुमको अपनी उड़ने की शक्ति दे देता हूँ। जब तक मुझे इस शक्ति की आवश्यकता ना पड़े तब तक ये तुम्हारे पास ही रहेगी। पर तुम घबराना मत, मैं कुछ ही पलों में स्वस्थ हो जाऊंगा। तुमको अधीर देर तक धौकनी से नहीं जूझना पड़ेगा। वाह, कमाल है! ऐसा तो पहली बार हुआ है कि मैं बगैर किसी सहायता से उड़ रहा हूँ। अब मुझे तुझसे निपटने में आसानी होगी धौकनी। अगर उड़ने से तू अपने आप को पहले से जीता हुआ समझ रहा है तो ले, मैं तुझको ऊपर नरक तक तो उड़ा देता हूँ। पहले मेरे सर बंधनों से आजाद तो हो ले। मेरा रूप जरूर मेढक सा है, लेकिन मैं ये वह मेढक नहीं जिसे सांप खा जाए। मैं वह मेढक हूँ जो सांपों को खा जाता है। और यह भी जान ले कि अगर तू जहरीला है तो मैं भी कम जहरीला नहीं हूँ। मेरे शरीर के इन चकत्तों में जहर ही जहर भरा हुआ है, जिसको जब मैं अपनी धौंकनी द्वारा बाहर फेंकता हूँ तो दुश्मन तड़प तड़प कर मरता है, जैसे अब तू मरेगा। तेरा जहर तो मैंने चख लिया धौंकनी, अब मेरा जहर भी सूंघ कर देख। तुझ पर तो मेरे विष का जरा सा भी असर नहीं। आह आह, ये कैसा विष है? ऐसा विष तो मैंने इतने युगों में कभी नहीं देखा। महानगर में चल रहे इस युद्ध का आभास असम के जंगलों में मौजूद अधम को भी हो रहा था। ओ, कोई नाग शक्ति युक्त पुण्य आत्मा धौंकनी से टकरा रहा है। मुकाबला तो जोरदार हो रहा है, लेकिन फिर भी जीतेगा धौंकनी, और फिर वह सदम को नष्ट कर देगा। अभी तो मुझको यहाँ का युद्ध देखकर मजा आ रहा है। दैवीय गदा के कांटों ने भेड़िया के शरीर को छलनी कर दिया था। उफ, इसके हाथों से गदा गिरानी होगी, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति बची नहीं है। क्या करूं? ओह, ये तो यूकलिप्टस का पेड़ है जिसकी पत्तियों में तेल भरा होता है। शायद इससे काम बन जाए। भेड़ियों के शक्तिशाली हाथों ने पत्तियों को तोड़कर उसमें मौजूद तेल को निकाल लिया, और इस बार जब कोबी की गदा घूमी तो भेड़िया ने गदा को तेल से नहला दिया। ये क्या कर रहा है तू? मेरी गदा को बदबूदार बना दिया तूने। अब तो तेरे खून से इस तेल को धोऊंगा। ले ए,
चिकनी गदा पर कोबी पकड़ बनाए नहीं रख सका और गदा उसके हाथ से छूटकर मिसाइल की तरह हवा में उड़ती हुई